चाहे जितनी मेहनत लगे कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे, चाहे जितनी मेहनत लगे कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके हम भी गर्व से सीना तानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूँ फोर्थ सेमेस्टर में। और आपको बताए फोर्थ सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स है, तो चलिए जान लेते हैं हाइड्रोलिक्स का एग्जामिनेशन स्कीम। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले ही लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कौन से सब्जेक्ट होंगे, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आपको वहाँ पे बताया गया था हाइड्रोलिक्स का सब्जेक्ट कोड 22401 है। तो ये सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन स्कीम कैसा होगा, तो देखिए एग्जाम दो पार्ट में होगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अब थ्योरी की अगर हम बात करें तो एंड सेमेस्टर एग्जाम जो थ्योरी रिटर्न पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, और उसमें अगर आपको पास होना है तो 28 लाने होंगे। अब 28 का मत सोचो, 70 को हमें टारगेट करना है। ओके, फिर यहाँ पे जो 30 मार्क्स है ये प्रोग्रेसिव असेसमेंट के होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रोग्रेसिव असेसमेंट क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, ये होता है यूनिट टेस्ट के 20 मार्क्स और माइक्रो प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स। अब यहाँ पे यूनिट टेस्ट दो होंगे 20-20 मार्क्स के, और उनका एवरेज निकल के आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएंगे। रही बात 10 मार्क्स की, माइक्रो प्रोजेक्ट करना होता है। जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर तक माइक्रो प्रोजेक्ट किए, वैसे ही सेम 10 मार्क्स के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट करना है। बात यहाँ पे थ्योरी पार्ट की ख़त्म होती है, तो थ्योरी पार्ट में 70+30=100 मार्क्स मिलेंगे थ्योरी के। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। अब प्रैक्टिकल के लिए आपको एक लैब मैनुअल रहेगा, उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर। वो जो भी आप पढ़े उसमें प्रैक्टिकल सेशंस में, उसके बेस पे यहाँ पे आप देख रहे हो हैश, इसका मतलब एक्सटर्नल आएंगे और आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी वाइवा होगी, तो वो 25 मार्क्स की होगी। साथ ही में जो आपने लैब मैनुअल लिखा है उसका असेसमेंट करके आपके टीचर आपको आउट ऑफ 25 मार्क्स देंगे। तो मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो 25+25 टोटल 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और टोटल जोड़ दूँ मैं पूरे सब्जेक्ट का, थ्योरी पर प्लस प्रैक्टिकल, 100+50 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, दैट्स इट। तो ये सब्जेक्ट पूरा आपको कितने मार्क्स देगा, 150 मार्क्स देगा। अब हम बात करते हैं ये 150 मार्क्स लाने के लिए आपको कौन से चैप्टर के थ्रू जाना है, कौन से यूनिट्स देखने हैं। तो पहला यूनिट होगा आपका प्रेशर मेजरमेंट। अब प्रेशर मेजरमेंट में आपको पाइप के थ्रू होने वाला जो फ्लो है या किसी भी हाइड्रोलिक्स का, हाइड्रोलिक्स मतलब क्या, वाटर या कहीं ऑयल भी दिया जाएगा, तो ऐसे जो लिक्विड्स है उनके प्रेशर का मेजरमेंट करना है, बस बहुत ईजी बात होगी। और ये जो चैप्टर है आपको पूरा 12 मार्क्स देख के जाएगा, तो ये चैप्टर डिटेल में तो जानेंगे ही हम, बस मैंने बता दिया कि क्या क्या करना है इसमें, डन। अब सेकेंड चैप्टर पे आते हैं हाइड्रोस्टेटिक्स। अब हाइड्रोस्टेटिक्स में क्या है, जब आपका लिक्विड एक स्टेडी पोजीशन पे होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा, जैसे कि आपने किसी टंकी में पानी भर के रखा है तो उसका साइड वॉल्स पे कितना प्रेशर आएगा निकालो, तो ये हाइड्रोस्टेटिक्स, तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे सेकेंड चैप्टर। ये मार्किंग स्कीम इसके लिए बता रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंस तो सब चैप्टर को देना है, बट क्वेश्चन किस चैप्टर में से ज़्यादा आएंगे ये आपको पता चलेगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर की बात करें तो फ्लूइड फ्लो पैरामीटर्स। अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें कौन से पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड नंबर, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ रेनॉल्ड नंबर, उसका असर फ्लो पर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लोज कौन से होते हैं, टर्बुलर, लैमिनार, ये सब टाइप्स ऑफ फ्लोज है, वो डिटेल में जानेंगे, बट चैप्टर तो शुरू करने दो, इसको मार्क्स जाते हैं 12। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। देखिए 4 चैप्टर जो है फ्लो थ्रू पाइप्स है, पाइप्स तो सभी ने देखे हैं, तो पाइप के थ्रू जब वाटर फ्लो होता है, मोस्टली यहाँ पे वाटर का ही केस लिया जाएगा, कोई अदर केस नहीं होगा। चौथे चैप्टर में बस वाटर का फ्लो थ्रू पाइप्स, तो उसका प्रेशर कितना होगा, डिस्चार्ज कितना जाएगा, उसके फ्रिक्शनल लॉसेस कितने होंगे, ये सब चीज़ें हमें 4th चैप्टर में पढ़ने मिलेगी। अब पाइप थ्रू फ्लो हो गया, 5th चैप्टर में आएगा फ्लो थ्रू ओपन चैनल, जैसे कि कैनल के थ्रू आपका वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसके पैरामीटर्स निकालने हैं, डिस्चार्ज कितना जाएगा, उसमें लॉसेस कितने होंगे,
ये सब चीजें आपको फ्लो थ्रू ओपन चैनल इस चैप्टर में देखने मिलेंगे। और फोर्थ और फिफ्थ दोनों चैप्टर को 14-14 मार्क्स असाइन किए गए हैं, यहाँ पे 14 यहाँ पे 14, डन। अब बचता है लास्ट चैप्टर हाइड्रोलिक पंप्स, जो वाटर आप यूज करते हो पंप करने के लिए, जैसे कि डैम में वाटर है तो उसको कन्वे करना है फार्म में, तो आपको पंप लगेगा, तो वहाँ पे डैम में से सक्शन होगा और डिलीवर फार्म में होगा, तो ये पंप के पार्ट है, सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप है ना। पंप तक जो डैम से पाइप आता है वो सक्शन पाइप होता है, और पंप से आगे फार्म तक जो जाता है वो डिलीवरी पाइप होता है। तो ये मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी तो डिटेल में चीज़ें बाद में देखेंगे आराम से। तो कुछ इस तरीके से छठे चैप्टर को 8 मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल फिक्स कन्फर्म पूछा जाता है, थेरोटिकल पार्ट भी होता है, ये डिटेल में जानेंगे कल से। तो अभी के लिए इतना ही समझ लो कि हाइड्रोलिक्स आपको कितने मार्क्स देगा, 150 देगा, 150 मार्क्स देगा, और साथ में ही ये 6 चैप्टर पढ़ोगे तो 150 के 150 भी अचीव कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कुछ सजेशंस होंगे ना दोस्तों, मुझे बेटरमेंट के लिए बहुत हेल्प करेंगे, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।